मेरी प्यारी बच्ची, आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बच्ची, जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी अंदर वो हिम्मत ढूंढनी होगी आगे बढ़ते रहने के लिए, और जीवन की बहाव में बहती चली जाओ। जो बीत चुका है उसे स्वीकार कर लो और उसके ऊपर कभी भी शोक मत मनाओ। आने वाला कल बहुत सुंदर होगा, इसी उम्मीद के साथ हमेशा जियो तो तुम्हारे मन में हमेशा तुम्हें शांति महसूस होगी। मेरे बच्ची, जब कभी चिंता महसूस करो तो अपने बीते हुए कुछ महीनों और कुछ सालों को याद करो। तुम तब भी चिंता करते थे तो क्या तुम उस परेशानी से बाहर नहीं आए जो तुम्हारे बीते हुए कल में थी? तो बच्चे, चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर परेशानी पहले मेरी है, इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम पूर्वक पूर्ण भाव से मेरे चित्र को देखती हो तो मैं भी तुम्हें देखता हूँ, तुमसे बात करता हूँ और मैं तब तुम्हें अपना दर्शन ही दे रहा होता हूँ। मेरे बच्चे, समय सब कुछ बदल देगा, तुम्हारी हर परेशानी समाप्त हो जाएगी। बस सबूरी रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और तुम सबसे कहते हो ना कि मेरे पापा हैं ना तो सब संभाल लेंगे। तुम्हारा ये विश्वास मेरे प्रति मुझे अति प्रिय है। मेरे बच्चे, जीवन में नई बातें सीखो, नए शौक पूरे करने के लिए नई कलाएं सीखो, लेकिन कभी कभी पुरानी कुछ बातों को भुला देना भी जरूरी होता है। वो बातें जो तुम्हारे मन को दुख पहुंचाती हैं, वो लम्हे जिनकी वजह से तुम आज भी दुखी होते हो। मेरे बच्चे, आज के क्षण में जियो। मेरे कुछ बच्चे रो रो कर दूसरों के सामने अपने दुख बताते हैं, दूसरों से मदद मांगते हैं और मदद न मिलने पर दुखी होते हैं। तो बच्चे, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो सिर्फ अपनी बाबा से मांगो, मैं तुम्हें हर प्रकार से मदद भेजूंगा। और जब कभी डर लगे या चिंता सताए, मेरी साईं सच्चरित को अपने पास रख के गले लगाना और साईं साईं नाम जपना, तुम्हारे सारे भय और चिंताएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जिस भी माध्यम से तुम्हें कुछ बताता हूँ तो उसे अपने जीवन में अपनाओ और वो करना शुरू करो। मेरे शब्द अर्थहीन नहीं हैं, यह सोचो और मानो कि बाबा प्रत्यक्ष रूप से तुमसे बात कर रहे हैं, और लोगों से या अपनी परिस्थितियों से कभी नाराज नहीं होना। तुम्हारी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि तुम शांत हो तो कोई कुछ भी कहे या कुछ भी हो जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा और तुम खुशी से जी पाओगे। मेरे बच्चे, इस कलयुग में सिर्फ मेरा नाम स्मरण करने से तुम्हारे मन को शांति प्राप्त होगी और तुम्हें जल्द ही एक अनजान सी मदद प्राप्त होगी। मैंने तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दिया है, इसलिए निश्चिंत रहो। मेरे बच्चे, हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो, समझो परखो और आपस में मिलजुल के रहो। फिर चाहे वो परिवार हो या दफ्तर या मित्र हो, शांत रहकर सोच समझ कर फैसला लेना। मैं हमेशा तुम्हें सही राह चुनने में मदद करूँगा, और अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करती रहो। याद रखो, भगवान भी उनकी मदद अवश्य करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। और मेरे लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखोगे तो मेरे अनुभव और मेरे चमत्कारों का तुम्हें एहसास भी होगा, और जल्द ही तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी और तुम्हारे साईं की कृपा से तुम्हारा वो काम पूरा होगा जिसके लिए तुम इतने समय से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे। और जल्द ही स्वप्न दर्शन से
मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।